नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि एक बैनर आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि नेशनल एजिटेशन कमेटी की तरफ से यहां पर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है चलो यमुनानगर, चलो यमुनानगर। यहाँ पर हरियाणा पंजाब संयुक्त प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, जो कि 4/10/2021 को समय 11 बजे यहाँ पर होने जा रहा है, जिसका स्थान यहाँ पर दिया गया है पेपर मिल बिल्ट टीआर क्लब यमुनानगर हरियाणा में ये अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कमांडर अशोक राउत जी भी यहाँ पर जो है उपस्थित होने वाले हैं। और इसी को लेकर सभी माननीय नेतागण व ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उपस्थिति यहाँ पर जो है प्रार्थनीय है। यहाँ पर जो प्रमुख एजेंडा रखे गए है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे, जो कि न्यूनतम पेंशन 7,500 महंगाई भत्ते के साथ ईपीएफओ के एक प्रपत्र जो कि 23/3/2017 को अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प यहां पर दिया जाए व पेंशन धारकों व उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा यहां पर दी जाए। ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना में सम्मिलित किया जाए या उन्हें 5,000 रुपये मासिक पेंशन यहाँ पर जो है दी जाए। इस तरह की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त हरियाणा पंजाब टीम की ओर से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पंजाब संयुक्त प्रांतीय अधिवेशन में दिनांक 4/10/2021 को 11 बजे यहां पर जो है आमंत्रित किया गया है। आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस प्रांतीय सम्मेलन में सम्मिलित हो सकते हैं और अपने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति और इस अधिवेशन का समर्थन कर सकते हैं। आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, इस सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।